हेलो 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 फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन ऑन द कंसिस्टेंसी इन साइलेंस यूट्यूब चैनल। इन द प्रीवियस क्लास वी हैव कवर्ड अ लॉट मोर अबाउट द पेरिफेरल टॉपिक्स एंड टुडे इज ऑनवर्ड्स वी विल स्टार्ट अवर पार्ट 5, दैट इज़ द यूनियन गवर्नमेंट। थोड़ा सा हमने कुछ पार्ट्स पहले पढ़ रखे हैं, जैसे प्रेसिडेंट, देन वी हैव कवर्ड इन द लास्ट लेक्चर द वाइस प्रेसिडेंट। टुडे द कोर पोजिशंस वी विल बी डिस्कसिंग, द फर्स्ट वन बीइंग द प्राइम मिनिस्टर। इन दिस क्लास ओनली वी विल बी डिस्कसिंग येट अनदर टॉपिक, दैट इज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जस्ट अ सेकेंड। सो वन मोर टॉपिक वी विल बी डिस्कसिंग टूडेज क्लास ओनली, डैट इज़ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। वन अदर थिंग, शायद से टूडेज वीडियो विल बी क्वाइट डिसरप्टिंग, थोड़ी सी मेल फंक्शनिंग हो रही है कैमरा में, तो देखते हैं आगे से क्या करेंगे, आज के लिए थोड़ा सहन कर लीजिए। सो द फर्स्ट इज प्राइम मिनिस्टर, वेरी शॉर्ट टॉपिक्स, क्रिस्प टॉपिक्स। इफ़ यू गो एंड स्टडी फ्रॉम लक्ष्मीकांत, यू विल हैव अ एलोबरेट अंडरस्टैंडिंग। उतने वर्ड्स का फायदा नहीं है इफ़ यू आर रिवाइजिंग इट 4 to 5 times, तो इतना ही काफ़ी जितना मैं बता रहा हूँ। सो प्राइम मिनिस्टर, हमारे को पता है वी हैव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। सो वी हैव टू हेड्स, वन इज नॉमिनल हेड एंड वन इज द रियल हेड, और यू कैन कॉल इट नॉमिनल एग्जीक्यूटिव एंड रियल एग्जीक्यूटिव। नॉमिनल हेड को डी जोर भी बोला जाता है, डी ई जे यू आर ई, डी जोर एग्जीक्यूटिव एंड डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव। नॉमिनल हेड इज द हेड ऑफ स्टेट and this rear head is the head of government. So which two positions I am talking about, that is president and our prime minister. So in the prelims यहाँ अब अटकाएगा आपको examiner, कहाँ अटका देगा, कुछ भी लिख लीजिए। इफ द स्टेटमेंट इज एंडिंग विद द हेड ऑफ स्टेट, इट मीन्स प्रेजिडेंट। अब कुछ भी इसके आगे आप प्रीफिक्स लगा लीजिए, द रियल हेड ऑफ द स्टेट इज प्रेजिडेंट, एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट इज प्रेजिडेंट, रियल एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट इज प्रेजिडेंट, नॉमिनल हेड इज ऑफकोर्स प्रेजिडेंट। सो वेन एवर द स्टेटमेंट एंड्स विद हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ स्टेट कभी भी हमारा प्राइम मिनिस्टर नहीं हो सकता, बिकॉज आवर हेड ऑफ स्टेट इज ऑलवेज द प्रेजिडेंट, द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। ऐसे एग्जामिनर फंसाएगा। जैसे ही टर्म हेड ऑफ गवर्नमेंट आ गई, देन इनडायरेक्टली इट इज़ आवर पीएम, इनडायरेक्टली क्यों, डायरेक्टली इट इज़ आवर प्राइम मिनिस्टर। सो ये दो चीज़ आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। तो इतना सब क्यों बताया मैंने, इतना सब प्रीलिम्स में नहीं पूछा जाएगा, बट फॉर द आंसर राइटिंग क्वालिटी एनहेंसमेंट इन द मेंस एग्जाम यू कैन राइट दीज टर्म्स, डी जोर एग्जीक्यूटिव और द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव इज आवर प्रेजिडेंट, डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव इज आवर प्राइम मिनिस्टर, वी हैव टेकन पार्लियामेंट्री सिस्टम फ्रॉम आवर कॉलोनियल मास्टर्स, डेट इज ब्रिटिशर्स। सो सच काइंड ऑफ टर्मिनोलॉजी यू कैन यूज इट इन द मेन्स फॉर द क्वालिटी एनहांसमेंट। सो ये तो डिफरेंस बता दिया मैंने। नाउ देर आर नो एलाबोरेट प्रोविजन्स गिवन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। सो कैसे अपॉइंट होता है, प्राइम मिनिस्टर हैज़ बीन अपॉइंटेड सिंस आवर इंडिपेंडेंस बाई अ मेयर कन्वेंशन, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्दो हैज़ द प्रोविजन्स ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बट द प्रोसीजर टू अपॉइंट, लाइक 1/10 ऑफ द मेम्बर्स विल साइन अ बिल, इट विल बी इंट्रोड्यूस्ड इन द हाउस ऑफ राज्यसभा, इन द राज्यसभा इट विल बी गिवन टू वीपी, वीपी विल गिव इट टू प्रेजिडेंट, प्रेजिडेंट देन अपॉइंट द पीएम। सो सच काइंड ऑफ डिटेल्ड प्रोविजन्स इज नॉट गिवन,
Understood. So hence, by a mayor convention, president appoints our PM. So can or does the president has power to appoint anyone as PM? No. By convention, presidents appoint PM. This PM is the head of the winning party or the majority party in the lower house. So whoever party gets the highest number of votes, or whoever will get the highest number of MPs in the Lok Sabha, its leader will be declared as PM by our president. Understood? But how come when there is a hung assembly, no party achieved the majority mark? Then in the previous class, I have told you about the discretionary powers of the president. So that discretionary power will came to force in these circumstances, in the circumstance of hung parliament. Now we have yet experienced another case in the past, the assassination of the two prime ministers. So what happens at that period of time? Again, the president has the discretion. If the ruling majority can't elect another leader to represent as a PM, then the president has the power to either look out, search out for the alternative to the PM candidate, or to dissolve the Lok Sabha. So this is the discretionary power. But if this majority ruling party is able to form an opinion and represent a particular member of their party as a leader of the Lok Sabha, then the president is bound to elect that leader as a PM. So we have covered three cases in totality. The first one, the simple case, president will appoint PM. Who is this PM? This PM will be the leader of the majority party at the Lok Sabha. The second condition is when the president has to use the discretionary power. It means when there is a hung assembly. The third condition we have talked about is the when there is a death or there is a resignation of the incumbent prime minister. Then again, the discretionary power of president will come into force. But if the party, the ruling party, will represent its leader, then the president is bound to elect that leader as prime minister. So these are the major conditions. Now, there are certain pinpointers which can be given or thrown to us in the prelims. Like, the president can appoint PM even he is not a member of the house. The answer is yes. But within 6 months, he has to get the membership of any of the two membership of any of the two houses, Lok Sabha or Rajya Sabha. This is unlike the provision that has been included in the British Parliament. So Britishers, there's a rule that Prime Minister can be only from the Lok Sabha. So Prime Minister has the membership of only the lower house, the House of Representatives, and not the House of Lords. But in India, the Prime Minister can come from both the houses, Lok Sabha or the upper house, Rajya Sabha. Rajya Sabha mein example kya hai? Manmohan Singh, hai na? So yes, even if the Prime Minister is not a member of the houses, then also President can appoint that particular member as the, that particular person as the PM of the house, provided he has to or she has to acquire the membership of one of the two houses within time period of 6 months. This is one of the aspect. Now the oath and term and salary of the PM. इनके बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं. Oath कौन दिलाता है? मैंने भी बताया. President appoints the PM. These all provisions apply to the collective body of Council of Ministers. Prime Minister is heading this Council of Minister. We have studied just now that head of government is our PM. So all these provisions
will be applied to Council of Ministers. That is our next topic. As the PM is a very important post, that's why we are segregating it. यही चीज़ हम वापस पढ़ेंगे सारी Council of Ministers में भी. President appoints our PM. So in COM, who appoints the Council of Ministers? Again, President. But on the advice of whom? Prime Minister. Prime Minister is what kind of post? The leadership post of the Lok Sabha. Now, the term. There is no term. By whatever time the Council of Ministers are enjoying the majority rule in the House, till that period of time, the Council of Ministers, headed by the PM, can assume the office of Prime Minister as well as Council of Ministers. But in our Constitution, it is written that PM तब तक ही है जब तक ही इज enjoying the pleasure of the President. Understood? So this pleasure of President is very much important phrase in whole of the Constitution. Attorney General of India, we will study. In that period also, we will study that Attorney General will enjoy his post till the pleasure of President. Understood? Prime Minister, till the pleasure of President. Council of Minister, individually, till the pleasure of President. So, individually, kyun bola? Very much important word is here. Hum baad mein dekhte hain. President appoint karta hai aur oath dilata hai. Then, अगर नहीं भी है तो भी 6 months में आपको लेनी पड़ेगी. सो ये थी कुछ conditions. Now थोड़ी functions के बारे में बात कर लेते हैं. अच्छा, इसमें दो चीज़ थी जो मैंने बताया ना कि अ प्राइम मिनिस्टर कैन बी अपॉइंटेड इवन इफ ही इज़ नॉट द मेंबर ऑफ द हाउस. अगेन, इफ अ प्राइम मिनिस्टर इज़ द मेंबर ऑफ हाउस एंड हिज पार्टी इज नॉट एबल टू प्रूव इट्स मेजॉरिटी इवन आफ्टर दैट फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम अ रूलिंग पार्टी कैन रिप्रेजेंट इट्स लीडर एज अ प्राइम मिनिस्टर. Understood? These are two different conditions. In the first condition, the Prime Minister is not the member of the Parliament. So he has to acquire or she has to acquire the membership of the one of the two houses in the 6 months. The second is the Prime Minister is the member of the Parliament. But the majority party hasn't able to prove its majority in the Lok Sabha. So in that particular case, the President can appoint a Prime Minister. And in a specified period of time, the president will give a specified period of time to the Prime Minister and the ruling party that within this time period, you can prove your majority. Or if not, so automatically COM will get dissolved. So when did this happen? Yes, in 1990s era, the coalition era. At that time, there was a lot of things. Now, let's see, Atal Bihari Vajpayee Ji, who was a very Prime Minister, what happened in his work? फंक्शन पढ़ लेते थोड़ा. बहुत ही आसान फंक्शन है. प्रेसिडेंट He is the sole communication between the Council of Minister as well as the President. अगर President को कोई बात अच्छी नहीं लग रही या कोई भी advice अच्छी नहीं लग रही, so he can give back the request or the advice back to the Council of Ministers to reconsider the same. But if the Council of Minister decided to advise the President again, then the President is bound to accept that advice. Understood? So, इसी को हमने क्या बोल दिया? Suspensive veto. President का हो गया. Council of Ministers का. Prime Minister will advise the President. Dear President, these are the candidatures. These are the members I would like to have in my Council of Minister. So, advises President to appoint ministers.
अगर एडवाइस कर रहा है अपॉइंट करने के लिए तो एडवाइस करेगा उनको भगाने के लिए, निकालने के लिए. टू डिसमिस द सैड मिनिस्टर. और अगर वो खुद ही रेजिग्नेशन नहीं दे रहा प्राइम मिनिस्टर के कहने पे मेंबर, तो प्रेसिडेंट कैन डिसमिस हिम. अंडरस्टूड? पहले तो प्राइम मिनिस्टर जाएगा, बोलेगा कि प्लीज़ अपना रेजिग्नेशन दे दो, ताकि ये फालतू में बाहर न्यूज़ ना फैले कि हम, मैंने आपसे रेजिग्नेशन मांगा है. तो ड्यू टू हेल्थ इशूज़, ड्यू टू पर्सनल प्रॉब्लम्स, ऐसे करके रेजिग्नेशन हमेशा दे देते हैं. बट रियल पॉलिटिकल गेम इज़ बिहाइंड द कर्टन्स. अंडरस्टूड? सो एडवाइजेज डिसमिस. ऑल्सो ही विल, द प्राइम मिनिस्टर, ही और शी विल रिशफल द पोर्टफोलियोज. मान लीजिए मिस्टर राजनाथ सिंह इज हैंडलिंग द डिफेंस एंड निर्मला सीतारमन जी इज मैनेजिंग द, कौन सी उनके पास अभी इकोनॉमी की है ना, हाँ इकोनॉमी की फ्रंट है उनके पास, फाइनेंस मिनिस्ट्री कर रही हूँ. सो प्राइम मिनिस्टर कैन रीशफल द पोर्टफोलियोज, द रीश कैन रीशफल द मिनिस्ट्रीज. सो दिस इज द थ्री functions of Prime Minister regarding Council of Minister. Legislature, the Prime Minister can advise the President when to summon the Houses, when to dismiss the Lok Sabha, when to prorogue the Houses. So this was regarding the Legislature. Others may, प्राइम मिनिस्टर इज़ द हेड ऑफ डिफरेंट बॉडीज, लाइक 263 हमने पढ़ा था, क्या था, इंटर स्टेट काउंसिल, अच्छे से पढ़ लेना. दिस बॉडी इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन टूडेज सिनेरियो. हमने अभी देखा था कुछ दिन पहले बेलगावी डिस्प्यूट वॉज हैपनिंग, तो उसमें वापस से ये बॉडी लानी चाहिए, ऐसी बातें हो रही है. और भी बहुत सारे डिस्प्यूट्स हैं, ये बेलगावी का तो बार बार न्यूज़ में आता रहता है. देर आर न्यूमरस अदर काइंड ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन इंटर स्टेट्स, जैसे कि यस दिस येट अनदर बॉर्डर डिस्प्यूट बिटवीन असम मेघालय, असम मिजोरम, असम अरुणाचल प्रदेश, देन हरियाणा हिमाचल प्रदेश, यहाँ डिस्प्यूट है, यहाँ डिस्प्यूट है बेलगावी में महाराष्ट्र एंड कर्नाटका के बीच में, देन उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश के बीच में डिस्प्यूट है. सो दीज आर मेजर डिस्प्यूट्स. देन नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, हु इज़ द हेड, our prime minister is the head. Then national board of wildlife, kaun head hai, prime minister. Dhyan rakhe national board of wildlife ka head hai, aur kisi ka nahi hai, environment ministry ka nahi hai, ntca ka nahi hai, national tiger conservation authority uska bhi nahi hai. Then national ganga rejuvenation board hai, unke head yahi hai. National development council, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, नीति आयोग, इतने इम्पोर्टेंट बॉडीज हैं. सो ये थे सारी चीज़ें रिगार्डिंग प्राइम मिनिस्टर. आर्टिकल्स आपको पता है 74 एंड 75, दैट टॉक्स अबाउट दैट द प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ द स्टेट एंड देयर विल बी अ COM हेडेड बाय PM टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट. ये सारी चीज़ें हैं. 75 फिर बोलेगा कि द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विल बी रिस्पॉन्सिबल टू द लोअर हाउस, लोकसभा कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोअर हाउस. सो दीज आर सम ऑफ द आर्टिकल्स रिलेटेड टू इट. अब पढ़ते हैं हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, क्योंकि ऐसे स्टेट्स में भी होंगी. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, सो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं. देखिए थोड़ा सा आपको बेसिक बताता हूँ. एक्चुअली अगली क्लास में हम बेसिक ही पढ़ेंगे, बिकॉज अवर नेक्स्ट टॉपिक विल बी पार्लियामेंट, वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे. और उसी के साथ भी चलो आज ही पढ़ लेंगे, छोड़ो. सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कितनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 15% of total membership of Lok Sabha. This was included in 91st Amendment Act. Two acts, 52nd Amendment Act and 91st
अमेंडमेंट एक्ट रिलेट्स टू द एंटी डिफेक्शन प्रोविजंस, ये याद रखना प्रीलिम्स में आ सकता है। 15% लोकसभा से कम या 15% के बराबर, यहाँ से हम एक और इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं। इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्दो दिस हैज बीन अमेंडेड, फिर भी आप ये देखिए अवर कॉन्स्टिट्यूशन डजेंट डिफाइन द एग्जैक्ट नंबर्स ऑफ द कैबिनेट ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। एक पर्टिकुलर साइज नहीं दिया है, बस बोला 15% ऑफ लोकसभा। सो ये इतना ही बोलता है, आपको ध्यान रखना है, इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन देर इज नो वेयर एक्सप्लिसिटली रिटन डेट दिस शुड बी द साइज ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, बट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, कैबिनेट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये सब याद रखना। कैबिनेट पावर्स हैजंट बीन डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, वाई? क्योंकि 44th अमेंडमेंट एक्ट में तो खुद आया कैबिनेट, है ना, 44th अमेंडमेंट 1978 में खुद डाला है कैबिनेट, बट तब उसकी पावर्स नहीं डिफाइन की गई थी। ओनली कैबिनेट वर्ड इज रिटन एंड इट इज डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, बट इट्स पावर हैज नॉट बीन डेलिनेटेड बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन। सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तरह तरह के होते हैं, कुछ को बोलते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स, कुछ को बोलते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, कुछ को बोलते हैं डेप्यूटी मिनिस्टर्स, और एक लास्ट आती है पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज। देखो अब थोड़ी थोड़ी चीज़ें प्रीलिम्स के लिए बताता हूँ मैं। पहली बात तो सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑन एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ओथ गिवन बाय प्रेसिडेंट, सैलरीज फिक्स्ड बाय द पार्लियामेंट, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल टू प्रेसिडेंट। ईच एंड एवरी वर्ड दैट आई एम अटरिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग योर प्रीलिम पॉइंट्स। द सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैज बीन सेग्रीगेटेड इनटू दीज ऑल डिविजन्स, बट इज दिस सेग्रीगेशन हैज बीन मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन? नो, ये सेग्रीगेशन ही मेंशन नहीं है, ये हम अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ रहे हैं। मोर ओवर ओनली कैबिनेट इज डिफाइंड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज नॉट रिटन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज नॉट रिटन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज नॉट रिटन। मोर ओवर पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज विल बी अपॉइंटेड बाई प्राइम मिनिस्टर एंड द रेस्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, हमने अभी पढ़ा, प्रेजिडेंट अपॉइंट करेगा। तो ये टर्म भी आप याद रखना अच्छे से, अंडरस्टूड? अभी हम आगे इसके आगे पढ़ेंगे कैबिनेट, कैबिनेट कमेटी, तो उसमें एक चीज़ आएगी, डज कैबिनेट एज वेल एज नॉन कैबिनेट मेंबर्स कैन अटेंड द कैबिनेट मीटिंग्स? यस, कैसे? मिनिस्टर ऑफ स्टेट कैन बी इन्वाइटेड टू अटेंड द कैबिनेट मीटिंग, डेप्यूटी मिनिस्टर्स नहीं, इनको नहीं करेंगे इन्वाइट, या ना ये आ सकते हैं, और ये तो अलग ही ब्रांच है, इनका तो हम छोड़ ही देते हैं। सो कैबिनेट मेंबर्स विल अटेंड, हैज टू अटेंड द कैबिनेट मीटिंग्स, मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज कैन बी इन्वाइटेड टू अटेंड द पर्टिकुलर और स्पेसिफिक कैबिनेट मीटिंग्स, अंडरस्टूड? कैबिनेट कमिटीज, इनको कैबिनेट कमिटीज बोलते हैं, बाद में हम पढ़ेंगे, अगला टॉपिक यही है, यही बता देता हूँ अगला क्या टॉपिक है। कैबिनेट कमिटीज आर नॉट रिटन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, यस दीज आर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। डोंट कन्फ्यूज इट, द न्यू कमर्स विल कन्फ्यूज इट विद द पार्लियामेंट्री कमिटीज। पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा, अपर हाउस, बिगर सर्कल, राज्यसभा, पार्लियामेंट हैज एन अटैचमेंट, द मेंबर्स ऑफ दिस पार्लियामेंट्री कमिटी विल कम फ्रॉम दीज टू हाउसेस, दिस इज पार्लियामेंट्री कमिटी, इट इज रिटन इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन। लोकसभा हैज द रूलिंग पार्टी, यहाँ के भी कुछ रूलिंग पार्टी के मेंबर्स होंगे। ऑल द मेंबर्स ऑफ रूलिंग पार्टी कांट एंटर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, व्हाई? अभी पढ़ा 91st अमेंडमेंट एक्ट, ओनली 15% और लेस कैन बी फॉर्म्ड कैबिनेट मिनिस्टर, सॉरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सो ऑल द मेंबर्स ऑफ द रूलिंग पार्टी
can't attain this particular status. So it means these are the members of ruling party. These are the members of majority party, ruling party, but yet they are not ministers. Same thing happened in Lok Sabha case. Some of the members will not attain the position of ministers. In Lok Sabha, this is the cabinet. The cabinet is defined in our constitution. In this particular cabinet, we have cabinet committees. This is extra constitutional body. समझ में आ गया आपको? So cabinet committees are not written in our constitution. Parliamentary committees is written in our constitution. All the members of majority or ruling party will not attain the position of council of ministers. These are some of the key differences. बहुत ही जो basics होते हैं वो हैं ये सारे. If the member of the ruling party who is not a minister is tabling a bill, is introducing a bill in Lok Sabha or Rajya Sabha, whether this bill will be called public bill or private bill. और सुन लीजिए मैं बताता हूँ. Public bill is also called as government bill, which can be introduced by the government. अब बताइए इस क्वेश्चन का जवाब. Whether this member who is introducing the bill, who is belonging to the ruling majority party, is introducing a bill, whether this bill will be called public bill or private bill. If this bill has been represented by the member who is the member of the ruling majority party but hasn't attained the post of minister, then he will be none other than the private member. So this private member, while introducing a bill in either of the two houses of the parliament, this bill will be called a private member bill. बहुत ही छोटी छोटी चीज़ है ये, but believe me, ये भूल जाओगे. Understood? जिन्होंने बहुत सब बार रट्टा लगा रखा है उनको याद रहेगा, पर जो न्यू कमर्स है वो भूल जाते हैं ये, और ये डिफरेंसेज भी क्लियर होते नहीं. पार्लियामेंट्री कमिटीज इन कॉन्स्टिट्यूशन, कैबिनेट कमिटीज नॉट इन कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज. देर आर 8 इन नंबर्स दिस कैबिनेट कमिटीज, एंड majority of them will be headed by our prime minister, like appointments committee, internal security committee, cabinet committee on economic affairs. So these will be headed by the PM. There are two specialized committee which will not be headed by the prime minister. ठीक है, that is, first is accommodation committee, I think वो home minister के under है, and एक और committee है तो भी आप देख लेना, business करके कोई committee है तो वो defense minister के under है. तो ये जो दो कमिटीज़ हैं ये अपार्ट फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर और किसी के हैंड में है. तो ये मैंने आपको जल्दी से पढ़ा दिया, कैबिनेट कमिटीज़ भी. हम थे सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पे, मैंने बताया आपको कलेक्टिवली, लोअर हाउस इंडिविजुअली, टू द प्रेसिडेंट, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे. चुनता कौन है? President, on the aid and advice of Prime Minister. Who will give the oath? President. Salary requirements कौन fulfill करेगा या किसके ऊपर है? Parliament. Understood? The decision made in cabinet committees will be held superior to the Council of Minister. Whatever decision that will be made in the cabinet committees, the council of minister has to adhere to it. Understood? This is known as collective responsibility. Or collective responsibility kiske prati hai? Lok Sabha, lower house. This is the essence of parliamentary form of government. Executive is the baby of legislature. Executive is रेस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर. यही तो है चीज़, कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी टू द लोकसभा. अंडरस्टूड? इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी टू द प्रेजिडेंट, प्लेजर ऑफ प्रेजिडेंट. देन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विल ऑलवेज बैक द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट, चाहे वो अच्छे एडवांटेजेस साइड हो चाहे डिसएडवांटेज साइड है. एग्जाम्पल, अभी फार्म बिल्स आए थे,
चाहे कितने भी प्रोटेस्ट हो जाए, सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विल डिफेंड द फार्म बिल्स. वो जगह जगह जाके डिस्कशन करेंगे मीडिया मंचेज में, एंड दे विल डिफेंड दीज फार्म बिल्स बिकॉज इट इज़ ऑब्लिगेटरी ऑन देम. उनके बैक ऑफ द माइंड चाहे कुछ भी चल रहा हो कि यस दीज फार्म बिल्स आर नॉट दैट वेरी गुड, बट ड्यू टू कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन दे हैव टू डिफेंड दोज फार्म बिल्स. सो दीज आर ऑल द थिंग्स अबाउट सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. ज़्यादा बड़ी नहीं करते क्लास क्योंकि बहुत डाउट है मुझे वीडियो क्वालिटी कैसी आ रही होगी. सो अगर योर कॉन्सेप्ट्स आर गेटिंग क्लियर, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल. तब तक गुड बाय, जय हिंद.